अगर आप पेट्स को पसंद करते हो तो हमारे चैनल पेट इन्फो को सब्सक्राइब कीजिए। आपका स्वागत है पेट इन्फो में, और आज हम देखेंगे डॉग वर्सेस डॉग का 46th एपिसोड। और इस एपिसोड में हम साइबेरियन हस्की वर्सेस जर्मन शेफर्ड के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ओरिजिन, साइबेरियन हस्की का ओरिजिन मेनली एशिया से है, लेकिन कुछ साल पहले उनको कक्षा कबीला के लोगों ने साइबेरिया में पाला था, और वहाँ के सुटेबल वेदर और एनवायरनमेंट से वो ज़्यादातर वही ब्रीड किए जाने लगे, और इसी कारण साइबेरियन हस्की का ओरिजिन रशिया कहा जाता है। साइबेरियन हस्की बर्फीले इलाकों में तेज दौड़ते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल स्लेज खींचने के लिए किया जाता है। जर्मन शेफर्ड का ओरिजिन जर्मनी से है। इस डॉग ब्रीड को मैक्स वैन स्टेपनीज ने पहले ब्रीड किया था। गाइडिंग एंड सोशलाइजेशन, साइबेरियन हस्की मीडियम साइज की डॉग ब्रीड है। ये डॉग्स इंटेलिजेंट, जेंटल, अलर्ट और फ्रेंडली नेचर के होते हैं। अगर आपके पास बड़ा घर या बैकयार्ड है तो आप इस डॉग को पाल सकते हो। साइबेरियन हस्की डॉग के पास ज़्यादा ठंड सहने की ताकत और कम खाने में सर्वाइव करने की क्षमता होती है। साइबेरियन हस्की गार्ड डॉग नहीं है, क्योंकि इनको ज़्यादातर झुंड में रहना या फिर फैमिली के साथ रहना पसंद होता है। इनके फ्रेंडली नेचर के कारण आप इनको छोटे बच्चों के साथ आसानी से रख सकते हो। इनको डेली 50-60 मिनट्स तक एक्सरसाइज करवाना चाहिए। अगर आप साइबेरियन हस्की को एडॉप्ट करना चाहते हो तो बचपन से ही कीजिए। साइबेरियन हस्की को रहने के लिए ठंडे वेदर की ज़रूरत होती है, और आपके यहाँ 30 डिग्री से ज़्यादा तापमान है तो आपको कूलर लगवाना चाहिए। जर्मन शेफर्ड वर्ल्ड की पॉपुलर डॉग रैंकिंग लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं, और वर्ल्ड की इंटेलिजेंस रैंकिंग लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं। जर्मन शेफर्ड डॉग्स अपने ओनर के साथ बहुत ही लॉयल होते हैं, और स्ट्रेंजर के सामने बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं। ये डॉग्स अच्छे फैमिली डॉग होते हैं, लेकिन इनको बचपन से ही सोशलाइज करना ज़रूरी होता है। इनको छोटे बच्चों के साथ और दूसरे डॉग के साथ बचपन से ही घुल मिल कर रहना सिखाना चाहिए। जर्मन शेफर्ड डॉग अच्छे गार्ड डॉग और इंटेलिजेंट डॉग होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल मिलिट्री फोर्स और पुलिस फोर्स में किया जाता है। कलर्स एंड शेडिंग, साइबेरियन हस्की वाइट, ब्लैक, ब्लैक एंड टैन, ब्लैक एंड वाइट, सेबल एंड वाइट, ग्रे, ग्रे एंड वाइट, सिल्वर ग्रे और रेड एंड वाइट कलर्स में पाए जाते हैं। इनका कोट डबल होता है। जो अंदर का कोट होता है वो उनको गर्म रखता है, और ऊपर का कोट पानी से बचाता है। इनको हफ्ते में 2-3 बार ग्रूमिंग करवाना चाहिए। साइबेरियन हस्की का शेडिंग सीजन 6-7 मंथ में आता है। जर्मन शेफर्ड ब्लैक, ब्लैक एंड टैन, सेबल, रेडिश ब्लैक, ग्रे और ब्लैक एंड सिल्वर कलर्स में पाए जाते हैं, और इनका कोट लॉन्ग होता है। इस वजह से इनको रेगुलर ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है। जर्मन शेफर्ड का शेडिंग सीजन 6-8 मंथ में आता है। मेंटेनेंस, साइबेरियन हस्की का मेडिकल प्लस फूड प्लस ग्रूमिंग का खर्चा पर ईयर एवरेज 50,000-60,000 तक आता है। जर्मन शेफर्ड का मेडिकल प्लस फूड प्लस ग्रूमिंग का खर्चा पर ईयर एवरेज 20,000-25,000 तक होता है। हाइट, साइबेरियन हस्की की एवरेज हाइट 20-24 इंचेस होती है। जर्मन शेफर्ड की एवरेज हाइट 22-26 इंचेस होती है। वेट, साइबेरियन हस्की का एवरेज वेट 18-27 केजी होता है। जर्मन शेफर्ड का एवरेज वेट 25-40 केजी तक होता है। लीटर साइज, साइबेरियन हस्की की लीटर साइज एवरेज 4-8 पपीज होती है। जर्मन शेफर्ड की लीटर साइज 6-10 पपीज तक होती है। लाइफ स्पैन, साइबेरियन हस्की का लाइफ स्पैन 12-14 ईयर्स तक होता है। जर्मन शेफर्ड डॉग का लाइफ स्पैन 10-13 ईयर्स तक होता है। प्राइस, साइबेरियन हस्की की प्राइस 60,000 के ऊपर है। जर्मन शेफर्ड की प्राइस 10,000 से लेके 22,000 तक है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का डॉग वर्सेस डॉग का 46th एपिसोड? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने इसमें से कौन से डॉग को चूज किया, और हमारे चैनल पेट इन्फो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।